स्वागत स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट, एक प्रैक्टिकल प्रिंट स्टेटमेंट का। कल हमने पढ़ा प्रिंट स्टेटमेंट, तो उसमें हमने देखा क्या चीज थी कि हम एक आउटपुट दे रहे होते थे यूजर को, हमने कोई मैसेज शो कराना होता था तो हम उसके लिए स्टेटमेंट स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट दे देते होते थे, उसको हम सेव करते थे जो कि यूजर की स्क्रीन पे शो हो जाता था। तो इस तरह आज हमारे पास है प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट, इसमें आप प्रिंट स्टेटमेंट को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा उसका कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट में। तो इसमें जो है हम अपनी जो स्टेटमेंट है उसको हम फॉर्मेट के जरिए, फॉर्मेट उसकी हम सेट करते हैं अपनी मर्जी से, हमारी डिमांड के जरिए से, तो वो यहाँ पे उसके लिए प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट यूज होगा। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट में हम क्या चीज करते हैं, सेट आवर फॉर्मेट जो कि हमारी डिमांड होती है उसके मुताबिक ही हम अपनी फॉर्मेट को सेट करते होते हैं। इसमें हमारे पास आ जाती है तीन किस्म की, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मार्क्स यूज होते हैं, एक हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड नंबर पे प्लस का साइन, और थर्ड जो इसकी है हमारे पास वो है एम्परसैंड का। ये तीन फंक्शन परफॉर्म होंगे, इनको एक्सप्लेन करता हूँ मैं बाद में। तो पहले हम देखते हैं क्या चीज, फर्स्ट में हमें कोई स्ट्रिंग दी, पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट में स्ट्रिंग को देते हैं, फर्स्ट में एक स्ट्रिंग देते हैं हम लोग अली। तो जैसे ही हमने प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे अली की वैल्यू देते थे, वैसे ही आउटपुट हमारे पास शो हो जाता था। जैसे कि ये था हमारे पास 10 पे हम देते थे प्रिंट स्टेटमेंट, और 10 पे हम यहाँ पे शो कराया एक स्ट्रिंग हमारे पास थी क्या अली, तो 20 पे हमने शो कराया क्या चीज प्रिंट स्टेटमेंट को, प्रिंट यहाँ पे ए स्ट्रिंग देते थे तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाता था अली। इसी तरह मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम अपनी फॉर्मेट खुद सेट करते हैं डिमांड के मुताबिक कि हमने क्या शो कराना है आउटपुट स्क्रीन में। यहाँ पे तो पूरी वैल्यू आ जाती थी, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर, ये पहले दो लेटर हम से यहाँ पे शो कराना चाहते हैं अगर आउटपुट स्क्रीन पे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट हम खुद सेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं, उनको यूज करते हुए हम इस चीज को सेट करते हैं। आई मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह के फर्स्ट के हमारे पास एक लेटर, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी अली है, स्ट्रिंग हमारे पास एक दी गई है अली की, तो ये जो हमारे पास यूज होता है ना लेटर एक्सक्लेमेशन मार्क्स का, तो अगर जिस फंक्शन में जिस प्रिंट स्टेटमेंट में हम इसको यूज करेंगे तो हम जो भी स्ट्रिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका पहला लेटर सिर्फ हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। तो ये हमारी डिमांड के मुताबिक हम खुद कर सकते हैं। फर्स्ट में हमने कोई एक मार्क यहाँ पे देना है, आउटपुट स्क्रीन पे पहले शो हो जाएगा मेरे पास सिर्फ
ए। इस तरह आपने अपनी फॉर्मेट अपने मुताबिक सेट की। इसके अलावा जो हमारे पास है, फर्स्ट करें हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। एग्जांपल में ए स्ट्रिंग फर्स्ट करें हमारे पास आ रही है वर्ड वर्ग की, और बी स्ट्रिंग हमारे पास आ रही है किस चीज की, हार्ड। इस तरह अगर हमने दोनों स्टेटमेंट्स का, दोनों वैल्यूज का फर्स्ट लेटर हमने अगर लेना है, तो यहाँ पर 30 लाइन पे हमने प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट देते हुए से आपने मेंशन करना है। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क देना पहले, उसके बाद सेमीकोलन देके ए स्ट्रिंग, फिर सेमीकोलन देना है आपने बी स्ट्रिंग यहाँ पे देना है। तो इस तरह ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग की दोनों के पहले पहले लेटर हमारे पास सेव होंगे, शो होंगे आउटपुट स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे पहला लेटर इसका डब्ल्यू था ए स्ट्रिंग का, और बी स्ट्रिंग का हमारे पास पहला लेटर एच था, तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे डब्ल्यू और एच शो हो गया। ये है यूज प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट का। इस लेटर के जरिए से हम दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट्स थी उनका हमें फर्स्ट लेटर शो कराया आपको स्क्रीन पे। ये हमारी डिमांड थी, तो हमने अपनी डिमांड के मुताबिक फंक्शन परफॉर्म किया कंप्यूटर से। इसके बाद लोड कर लें, हमारे पास है यहाँ पे ये साइन नहीं होता हमारे पास। बैक स्लैश एम स्पेसेस बैकस्लैश हमारे पास हम दे देते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2+n। ये हमारे पास लेटर्स शो होंगे, किसी आपने कोई वैल्यू देनी है, कोई स्ट्रिंग देनी है, तो हमारे पास 2+n स्पेसेस हमारे पास होगी उसमें जो शो होगी। फर्ज करें हमारे पास हम यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 0, यानी हमारे पास स्पेस अगर आप दे रहे हैं यहाँ पे 0, तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे लेटर, फर्स्ट टू लेटर वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे शो होंगे। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे आपको, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 10th लाइन में हमारे पास आ रहा है ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू वर्क, तो 20 लाइन में हमारे पास क्या चीज है, प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट दे देते हैं यहाँ पे। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे क्या चीज शो कराएंगे, पहले ये चीज फर्ज करें हमने यहाँ पे 0 स्पेसेस देनी है, तो उसके लिए पहले बैक स्लैश लगाएंगे, उसके फौरन बाद ही दूसरी बैक स्लैश लगा देंगे और इसको कॉमा से बंद कर देंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दे के जो भी स्ट्रिंग था हमारे पास ए स्ट्रिंग, तो उसको वहां पे लिख लेंगे, और इसके बाद आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास शो हो जाएगा क्या चीज, आउटपुट स्क्रीन फार्मूला आपको 2+n स्पेसेस मैंने बताया, n हमारे पास यहाँ पे 0 है, 2+n 0, तो हमारे पास फर्स्ट टू लेटर्स शो होंगे जो हमने स्ट्रिंग दी है। ये स्ट्रिंग हमारे पास की है स्ट्रिंग, तो इसके पहले दो लेटर कौन से हमारे पास W और O, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे W
और शो हो जाएगा। इसी तरह अगर नेगेटिव, अगर हमने तीन लेटर शो कराने होते तो यहां पे 1 स्पेस देनी थी, 2 + 1 3 स्पेस हो गई, 3 आएगा फार्मूला, तो 3 के पास 3 लेटर हमारे पास शो हो जाएगा W O R। इस तरह आप सेट कर सकते हैं। अगर हम जैसे पहले हमें सिर्फ एक लेटर चाहिए था तो उसके लिए मैंने आपको एक्सक्लेमेशन साइन शो कराया, तो इस तरह का डिमांड के मुताबिक हम अपनी फॉर्मेट सेट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो साइन आ रहा है हमारे पास, पहले लिख लगा। उसके बाद क्योंकि
वैल्यू जीरो में भी आ सकती है, कुछ वैल्यू आ सकती है, हमारे पास क्योंकि वैल्यू हमारे पास 52 थी उससे पहले जीरो आ जाए तो कोई एम्प्टी बॉक्स आ जाए तो उसका कोई हमारे पास नुकसान नहीं है। इसी तरह अगर हम पॉइंट्स में वैल्यू शो कराना चाहते हैं, फर्स्ट है हमने शो करानी है कहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा देता हूँ पॉइंट, तो हमारी जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आ जाएगी, दो स्पेस के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू मैं पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट करके दे देता हूँ 1.3, यहाँ पे 1.3 दे देता हूँ। तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आई बॉक्स जो हमारे पास रिकवर हुए वो चार हुए चुके, हमारे पास वैल्यू भी किसमें आ जाएगी पॉइंट्स, 1.3 था 1.3 उसके बाद जीरो आ जाएगा, चार स्पेसेस रिकवर की है, दो स्पेसेस के बाद में हमारे पास क्या था पॉइंट था, दो स्पेसेस के बाद मैंने यहाँ पॉइंट किया और स्क्रीन पे उसके बाद दो लेटर लिखे जीरो लिखो बाद में उसका नंबर सेम ही रहता है 1.3 ही रहेगा। तो इस तरह ये हमारे पास हैश का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आपने पढ़ा प्रिंट यूनियन स्टेटमेंट में इसकी जो वैल्यू है वो क्या चीज़ शो करा रही है, यहाँ पे स्पेस रिकवर करवा रही है, जो हमने पहले इनपुट पढ़ा वहाँ पे उसकी फंक्शन क्या था हैश का साइन हमारे पास जहाँ पे भी यूज़ होता था तो वहाँ पे हमने डबल प्रोसीजर को शो करवा होता था, कोई भी वैल्यू थी हमारे पॉइंट्स में तो उसको हम डबल प्रोसीजर में लिखते थे, यानी हमारे पास कोई 17-16 लाइन्स होती थी 17-16 डिजिट्स होते थे पॉइंट के बाद तो उस चीज़ को हैश का साइन शो कराता था, जबकि यहाँ पे हमारे पास हैश का साइन किसलिए यूज़ हो रहा है, इसने स्पेसेस रिकवर करवानी है, या यहाँ पे आप जितनी भी आपको स्पेसेस रिकवर करानी है उतने ही आप हैश के साइन दे दोगे तो हमारे पास डॉक्टर स्क्रीन पर उतने ही स्पेसेस कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो है एक और साइन होता है यूज प्लस का, इसका फंक्शन क्या है, हमने कोई वैल्यू देनी है फर्स्ट करें मेरे वैल्यू है तो उसके साथ उससे अगर पहले या बाद में हम इस चीज का अगर साइन दे देते हैं तो वो उसके साथ आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे लिख रहा हूँ, कोई वैल्यू लिखता हूँ फर्स्ट करें जैसे पहले मैंने यहाँ पे यूज किया था लाइन नंबर 20 पे प्रिंट यूजिंग में, हैश के साइन किए थे ना, हैश के साइन देने के बाद अगर मैं प्लस का साइन देता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दो स्पेस रिकवर हो रही है उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा किस पे आउटपुट स्क्रीन पे। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करो वैल्यू 12 दे रहा था तो 12 के बाद यहाँ पे क्या शो हो जाएगा प्लस, ये है इस प्लस का यूज। इसी तरह अगर हम स्टार्ट में दे दें प्लस हमारे पास स्टार्ट में प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस अगर मैं दे देता हूँ तो आगे वो डबल एक्स दे देता हूँ तो माइनस 12 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मेरे पास 12 थी। तो हमने कोई 12 यूज की हिसाब से इस साइन को आगे पीछे करते रहे, वो डिपेंड करता है कहाँ पे इसकी जो तरतीब है जो यहाँ पे प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट में यूज हो रही है वही वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगी। देखें इसी को रोक करें, लास्ट में मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हमारे पास यूज है किस चीज का कॉमे का यूज है हमारे पास, जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको, कॉमा कोई वैल्यू आप लिख रहे हो कोई फर्स्ट करें 5 जीरो है 1 लाख तक की वैल्यू है
फाइव जीरो आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो आप कॉर्पोरेट यूजर स्टेटमेंट करेंगे उसमें आप कॉमा का जब यूज करेंगे तो फर्स्ट थ्री लेटर्स के बाद उसमें कॉमा लगा देना है। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास टू जीरो है फर्स्ट थ्री लेटर्स में, तो इसके बाद इसने कॉमा यहाँ पे लगा देना है। जो हमने स्टेटमेंट देनी है कौन सी प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट की, प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट जब देनी है तो उसमें हमें स्पेसेस कवर करने के लिए हमने स्लैश के साथ देने हैं। फर्स्ट चीज हमने स्लैश के साथ सॉरी हैश के साथ देने हैं फर्स्ट थ्री लेटर्स के बाद क्योंकि आ रहा है कॉमा। तो इसके बाद हमने क्या चीज शो करानी है, कॉमा शो कराना सिंपल, उसके बाद दोबारा से हैश के साथ दे देने हैं और उसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यू है कोई हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसका हमने यहाँ पे आगे लिख लेना है। फर्स्ट थ्री ए हमने स्ट्रिंग वैल्यू ली थी तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ अगर ले सकते हैं तो वो भी ले लें, आपकी मर्जी है। 1 2 3 4 5 मैंने ले ली, इसको यहाँ पे हमने लेटर कर लिया किससे, सेमीकोलन से। हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रहा है यहाँ पे आउटपुट पे 1 2 3 के बाद उसमें कॉमा लगा देना है और 4 5 एंड पे आ जाना है। नोट कर लेना इस चीज को, घर जाकर पढ़ने आपने बुक से रीडिंग करनी है आपकी, कहीं पे कोई क्यूरी है आपकी तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आज तक यहीं तक एंड होता है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।